दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बंदर और पक्षी दोनों प्राणी हैं और दोनों में खून होता है। इसके बावजूद अगर दोनों बिजली के तार पर बैठते हैं तो बंदर को करंट लगता है जबकि पक्षी को नहीं लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के मन में ऐसा सवाल तो हमेशा ही आता होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है? अगर नहीं तो चलो आज मैं बता देता हूँ। और दोस्तों बारिश के दिनों अक्सर हम देखते हैं कि कई कई जगह केचुए या जोंक निकल आते हैं। यदि हम केचुए या जोंक पर नमक का छिड़काव करते हैं तो वो मर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि केचुए या जोंक पर नमक छिड़कने से वे क्यों मर जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो नमक के छिड़काव के बाद तुरंत मर जाते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जानने के लिए बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, और हाँ वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ कि अगर दोनों बंदर और पक्षी बिजली के तार पर बैठते हैं तो बंदर को करंट लग जाता है जबकि पक्षी को नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों कौवा चिड़िया को अक्सर हम तार पर बैठते हुए देखते हैं। विज्ञान में दो तरह की वस्तु होती है, विद्युत की गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब वो होता है जहाँ से बिजली फ्लो हो सकती है, और बैड कंडक्टर का मतलब वो होता है जिसमें बिजली फ्लो नहीं हो सकती है। जैसे कि विद्युत का करंट सिर्फ गुड कंडक्टर वस्तुओं में ही प्रवाहित होता है, जबकि सभी प्राणी विद्युत के गुड कंडक्टर है, इसी कारण वो विद्युत प्रवाह के माध्यम बन जाते हैं। आपको बता दें कि इनका प्रभाव फेज से न्यूट्रल की तरफ बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। और बिजली के तीन तारों में से सिर्फ दो तारों में करंट होता है, जबकि एक तार अर्थिंग का होता है। जब भी कोई पक्षी बिजली के तार पर बैठता है तो वह सिर्फ एक तार पर बैठता है, इस कारण विद्युत का सर्किट पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जब बंदर बिजली की तार पर बैठता है तो वह दो तारों के बीच टकराने के कारण या दो तारों को छूने के कारण उसे करंट लग जाता है। चमगादड़ को भी करंट लगने का यही कारण होता है। चलो मैं आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बता देता हूँ कि चमगादड़ को करंट क्यों लगता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि चमगादड़ पक्षी जो होता है वो हमेशा उल्टा लटकता है। जब वह उल्टा लटकता है तो दो तारों के संपर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होने लगती है, और सर्किट पूरा होने के कारण चमगादड़ को करंट लग जाता है। यही कारण है कि बिजली के तार पर बैठे बंदर को करंट लग जाता है जबकि पक्षी को नहीं लगता है। तो आई होप दोस्तों ये सवाल का जवाब आपके समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ डाउट या फिर क्वेरी होंगी तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये था कि केचुए या जोंक पर नमक छिड़कने से वे क्यों मर जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम किसी केचुए या जोंक पर नमक का छिड़काव करते हैं तो उनके शरीर में से तरल पदार्थ निकलने लगता है, जिससे कि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और आप तो ये जानते ही होंगे कि पानी की कमी होने से किसी भी जीव की मृत्यु हो सकती है, ऐसा ही केचुए या जोंक के साथ होता है। अब क्योंकि नमक की यही प्रकृति होती है कि वो सारी नमी अपने में सोख लेता है, केचुए के शरीर से उनके शरीर के तरल पदार्थ अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और वे मर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केचुए और जोंक के शरीर में पानी की अधिकता होती है। जब इन पर नमक का छिड़काव करते हैं तो उनके शरीर से जल बाहर निकलने लगता है। जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो केचुए या जोंक मर जाते हैं। जल किसी भी जीव के बाहर महत्वपूर्ण घटक होता है, जल के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं होता है, जल ही जीवन का आधार होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि केचुए या जोंक पर नमक छिड़कने से वे क्यों मर जाते हैं। अगर आपका कुछ डाउट या फिर क्वेरी होंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्क्रीन पर जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।